परम प्यारे परम पिता जो शांति का दाता है, सुख का दाता है और हम सभी का विश्व कल्याणकारी विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति देने का दाता है। उनके प्रेरणा से आज हमारी इस दिल्ली दरबार में आप सभी पधारे हुए हमारे पूर्व वक्तागण और हमारे मीठे प्यारे सभी भाई बहन, आप सभी देख सुन रहे हो कि आज हमारे दिल्ली दरबार में आज की विषय है नैतिकता और आध्यात्मिकता का महासम्मेलन और सभी के विचार सुन रहे हैं और हम आगे क्या कहूँ, हम उसी परमपिता शिव परमात्मा की ये जन जन को संदेश देते जो अभी भी सुना। कहा जाता समय की बलहारी होती है, युग बीते पर आज के ये संयुग का भी अंतिम चरण है, अथवा कहें कि सभी की नजर अभी ये देखती है कि 21वीं सदी में क्या होगा। पहले 20वीं सदी तो पूरी हो, तो आज के दिन आप हम सभी ये जो दृढ़ संकल्प पहले भी हमारी दादी है जब मोहिनी ने कराया और बीच में हमारे मंत्री जी ने भी बोला, तो हमारी ये एक संकल्प सिर्फ नहीं पर विश्वास है कि कल भी हमारी इस दिल्ली जमुना के कंठे पर वो राज था जिसका वर्णन किया कि भारत में वो राज था जहाँ शेर बकरी कठे जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, पर आज घर घर में कितना अशांति का वायुमंडल वातावरण बन गया। कल वो समय था जब यथा राम राज तथा राम प्रजा थी, पर कहाँ आज वो दुनिया है, कहाँ आज वो हमारे देश में है। विश्व तो बड़ी है, तो हमारे इस दिल्ली के बीच आप सभी भाई बहनों को जो हमारे दिल्ली के निवासी भाई बहनों ने यहाँ निमंत्रण दिया है और हमें भी उसी बीच बुलाया है, वो हमारी आप सबको एक विनय कहूँ विनती कहूँ संदेश कहूँ तो ये है कि सिर्फ आज सुनने नहीं आए हो परंतु जो सुना उनको अपने जीवन में
हर एक, ये पक्का वायदा करो तो कहा जाता संकल्प की सिद्धि मिलती। संकल्प है कि हमें अपनी जीवन में नैतिकता लानी है और उसके लिए आध्यात्मिकता की शक्तियों को अपने में भरना है। क्या ये वंडर नहीं है कि हम कैसी ये एक बात भूल गए सभी, ऐसे कोई अपना नाम तो कोई भूले, अपने बाप का नाम तो कोई भूले, मैं किसी फलाने का बेटा बेटी हूं। पर आश्चर्य है कि हम अपने मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जिसने ये परम पिता परम आत्मा जो निराकार जो सुख शांति का दाता है, सागर है, जो पतितों को पावन करने वाला प्यारा परमात्मा पिता है, और ऐसे बाप के हम सभी आत्मा है, बच्चे हैं। ये देह तो हमने भिन्न भिन्न वस्त्र धारण किया, पर हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, जिसको अंग्रेजी में सभी कहते, हम लोग कहते वी आर वन फैमिली। ये याद करो वी आर वन फैमिली, क्यों हम सभी का एक बाप वन है, वो 2, 3, 4 नहीं है। तो जब हम ऐसे बाप के बच्चे, बाप है हमारा शांति का सागर, पवित्रता का सागर, और हम लोग क्या बन गए हैं, कभी ये सवाल अपने जीवन से पूछा? हम है कौन, हम किसके हैं और हो क्या गए? इसके कारण ये हर एक के जीवन से नैतिकता चली गई है, क्योंकि आध्यात्मिकता की शक्ति भूल गए। और देश के भर स्वराज लिया पर क्या हालतें हैं वो आप सभी जानते हैं। तो हम हर एक नर नारी के साथ हम अपने नेताओं को भी ये प्रार्थना कहो, रुकेश कहो, अरिजी कहो, रखती है कि अरे उसी शिव भगवान का परमात्मा का अब हम सभी के फिर संदेश है, सुनो कि ए नेताओं, आप हर एक भी नैतिकता की क्रांति लाओ और जन जन को नैतिकता के लिए ये प्रेरणा दो, तो आज हमारा देश महान था और ऐसा महान सुख शांति का देश हो सकता, यही जमुना के कंठे पर हम ऐसा देह राज कर सकते, ऐसा देख सकते, क्यों नहीं हम आगे आने वाली सदी के लिए ऐसी हम जन जन को प्रेरणा देके ऐसा हम दिल्ली दरबार को सचमुच राम राज की दरबार बनाओ, तब कहेंगे वाह हमारी दिल्ली वाह। आज अगर ये कार्यक्रम रखा गया है तो इसी शुभ भावना से कि हमारी भावना है, प्लीज सभी इस बात को इस जन्म के लिए, कहा दशहरा रावण जलाते घर घर में रावण है, अर्थात ये विकारों रूपी घर घर माना हर एक मनुष्य का ये घर है आत्मा का, हर एक अपने अपने सुबह में इसी को जलाओ तो कल हमारी सच्ची दीपावली सिर्फ
एक दिल के लिए नहीं मनाओ, परंतु सच्ची दीपावली सारे देश में मनावे, ऐसी दीप आत्मा रूपी दीप जगाओ, तो दीप से दीप जगते जग रोशन हो गए। तो इसके लिए जैसे भ्राता जी ने कहा कि कहा जाता रघुकुल रीत चली आई, पर कुछ भी हुआ वचन न जाए। तो बाबा का शिव बाबा का संदेश दे के दादी ने बोला, तो हम आप सभी से एक फिर से ये प्रतिज्ञा का फिर संकल्प देते कि आज इसी के दिन हम देख रही हूँ हमारे सामने ऊपर में चांद चमक रहा है, कल पूर्णमासी थी, ऐसा हमें शीतल पूर्णमा जैसा बनना है, तो आज अपने जीवन में सच्ची नैतिकता क्या है उसको आज इसको दृढ़ संकल्प करो, और उसी के लिए ये राजयोग की अभ्यास करो। बोलो सभी चाहते हैं ऐसी हम जीवन, एक एक नर नारी जो दिल्ली के बैठे हैं वे हम सुबह को ऐसी नैतिकता की जीवन बनाएंगे, खुद बनेंगे तो हम दूसरों को बनाएंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। अगर ऐसा दृढ़ संकल्प करते हो प्लीज सभी हाथ तो हमारे साथ उठाओ, हाथ उठाना माला संकल्प करना। हाँ टीवी वाले भले निकालो, हम सारे देश को संदेश देते सिर्फ इतने सभा को नहीं, हम चाहते हैं हमारे दिल्ली जमुना कंठा ऐसा सच्चा सुंदर एक धर्म एक राज का स्वर आवे। हमें अपने अनेक इस कार्यक्रम के साथ अनुभव मिलता। मैं एक कल का मिसाल सुनाती, हम आज दिल्ली पहुंची पर कल हमारे माउंट अबू में 3000 से ऊपर आए हुए थे अनेक ग्रामों से, और उन्होंने बहुत 3000 से ऊपर चारों तरफ हमारे ग्राम उत्थान के लिए सभी पहुंचे थे, क्योंकि आजकल सब चाहते हैं। हमने उन ग्रामवासियों से जो वहाँ के सभी प्रमुख आए हुए थे उनसे सुना कि सच्ची पूछो तो उन्हों की हालत जो सुनी, बहुत बहुत गांव में त्रास है, पर इतना होते भी उन्होंने कल हमारे सामने ये एक सारे सभा में 1000 से ऊपर आए हुए इंडियास के मुख्य उन्हों के जो भी सरपंच आज थे, उन्होंने ये वायदा किया कि हम हर एक गांव में जाकर के बेसन मुक्त गांव बनाएंगे, और हर एक गांव में ये नैतिकता आध्यात्मिकता की क्रांति एक एक गांव छोटे बड़े जन जन में फैलाएंगे, ये हमारा वायदा है। और आज हम सभी ऐसे मानते जैसे कोई यज्ञ में अपनी बुराइयों को छोड़ के स्वाह करते, तो कहा हमने कहा ये रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, वो तो तिल जब जानते आप ये बुराइयों को
इस यज्ञ में सुहा करो। और सभी ने अपने दृढ़ संकल्प से वायदा किया, लिख के भी दिया, हम सब यहाँ से ये प्रेरणा ले जाते हैं कि हम खुद को और दूसरों को, हम एक एक गांव का इतना बड़ा उत्थान करेंगे और ये बुराइयों को त्याग जाते अथवा कहा व्यसन मुक्त हो और इस शांति की हम भी जा कर के सारे गांव में सेवा करेंगे। बताओ, इतने गांव वाले बैठे थे, कहा करीब 70% आज हमारे देश में ग्राम निवासी है, 70% और 30% बाकी। तो कहा 70% का हम पूरा पूरा एक एक में जाके हम ये क्रांति लाएंगे और हमारी क्रांति होगी कि हम ग्रामों में नैतिकता के साथ हम उनको इन बुराइयों से मुक्त करेंगे। तब हमने कहा हमारा ये वर्ष 1998 की भावना है, आओ हम सभी मुक्ति वर्ष मनावे। तो सच्ची मुक्ति है व्यसन मुक्त बनो, बुराइयों से मुक्त हो, इन विकारों रावण रूपी विकारों से मुक्त हो। तो जब हम मुक्त बनेंगे तब हमारा भयरत में सच्चा स्वर्ग का, देवी देवताओं का, जीवन मुक्त का एक राज आएगा, एक धर्म होगा, वो दूर नहीं, जरूर लाएंगे अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो। और उसके लिए शिव बाबा को सदा याद करेंगे और उससे प्रीत रखो तो उनसे आप सबको बहुत कुछ शक्तियाँ शांति बल मिलेगा। फिर अंत में कहूँगी कि ऐसी आशा के साथ हमारी सिर्फ आज आशा नहीं लेकिन हमारे को बार बार आता, अरे हमारी दिल्ली, ओ हमारी दिल्ली राजधानी थी, अभी भी राजधानी है, लेकिन उसमें एक सत धर्म का राज लाओ, ऐसे नेताएं सच्ची नैतिकता लावे और हम जन जन उसमें सहयोग देवे तो ये राज हमारा विश्व के लिए सच्चा झंडा लहराएगा। तब तो विश्व भी इस दिल्ली को प्रणाम करेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। अंत में कहूँगी कि हमारे दिल्ली तो हमारी, आप सबकी, हमारी सबकी है और हमको खुशी होती आने में। अब फिर भी आप लोग ने जो सम्मान किया और हमारे मेयर साहब ने और मेरे राणा भाई ने, हम उनको आप सबको भी उसके लिए थैंक्स कहूँगी। लेकिन थैंक्स तो हम उसी शिव बाबा को ही है जो हमें ऐसा बनाता, हम तो उनकी सर्वंत है, बनाने वाले की है महिमा, उसने बनाया। वो आपको भी कहता है खुद बनो, औरों को बनाओ तो सच्चा खुदाई राज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के युवा वर्ग के प्रतिनिधि, युवा कुमार एवं कुमारियां, हम सभी ये दृढ़ संकल्प करते हैं, कि समाज विशेषतः राजधानी में फैले हुए भ्रष्टाचार,
जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। Yeah.